क्षेत्रीय स्तर पर दो गुट दिखाई देते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर दो चेहरे दिखाई देते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दोनों में से कौन? क्या जी, आप अभी तो हमारे खड़गे जी नेता है, खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो नहीं, चुनाव किसके नाम पर लड़ा जाएगा अगला, लोकसभा वाला? वो तो पार्टी तय करेगी। आप क्योंकि दोनों के करीब माने जाते हैं, राहुल के भी और प्रियंका के भी। देखिए एक चीज है, जब राहुल जी इस्तीफा दिए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से, तब भी मुझे अनेक चैनलों में, अनेक मीडिया हाउस के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम किए गए और मुझसे सवाल पूछा गया। उस समय भी मेरा जवाब वही था और आज भी जवाब मेरा वही है कि यदि व्यक्तिगत तौर पर भूपेश बघेल से पूछा जाए तो मैं यही कहूँगा कि राहुल गांधी को ही चेहरा बना के चुनाव लड़ा जाना चाहिए। लेकिन सीएम साहब, फिर राहुल गांधी यात्रा लेकर छत्तीसगढ़ क्यों नहीं आते? रास्ते में नहीं पड़ा इस कहां से, अब छत्तीसगढ़ खिसका नहीं सकते थे हम लोग। आपने कभी कहा, आमंत्रित किया कि आप? और राष्ट्रीय स्तर पे जितने बार राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ आए हैं, उतना कोई नेता नहीं आया है हमारे कांग्रेस में। अब जो ये दूसरा लेग बन रहा है रास्ता का, यात्रा का, इसमें आप कोशिश करेंगे यहां से निकले? मैं सुन रहा हूं आप ही लोगों मुंह से कि दूसरी यात्रा भी निकालने वाले हैं, मुझे जानकारी नहीं है। यदि बनता है तो फिर निश्चित रूप से बीच में ही आएगा। हमने तो आप ही लोगों से सुना, मतलब कांग्रेस के लोगों से सुना। आप दिल्ली से आए ना? हाँ। मैं दिल्ली बहुत दिन हो गए नहीं गया। ओहो। अच्छा, दिल्ली की आपने बात की, वो वहां पे फ्री बिजली देते हैं दिल्ली वाले, दिल्ली की सरकार वाले, तो आप कहते हो ये फ्री भी है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन आप भी तो यहाँ पे दे रहे हो बेरोजगारी भत्ता, दे रहे हो ये सब दे रहे हो, तो उनकी पॉलिटिक्स गलत और आपकी सही क्यों? नहीं, आप तो भाजपा वालों की तरफ बोल रहे हैं, दिल्ली वाले नहीं बोल रहे हैं। नहीं, जो दिल्ली वाले भी फ्री में दे रहे हैं बिजली, जो स्कीम चलाई थी उन्होंने, उसी तरह आप भी देखिए तो, हाँ। यदि बिजली की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में, अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश में ही शुरू हो गया था। हाँ। यदि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं तो 30 यूनिट तक की बिजली फ्री, ये तो गरीबी रेखा के नीचे वालों को पहले से मिलता था जब मध्य प्रदेश में थे तब। उसी समय आप देखेंगे कि जो 5 हॉर्स पावर और 3 हॉर्स पावर तक के बिजली बिल में छूट दिया गया था ताकि किसानों को सुविधा हो सके, किसान बढ़ सके, क्योंकि सिंचाई का रकबा, सिंचित रकबा छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में कम ही था, तो इसलिए उनको सुविधाएं दी गई। तो वो ये कोई केजरीवाल ने शुरू नहीं किया है, बहुत पहले से अर्जुन सिंह जी के समय से, फिर दिग्विजय सिंह, मोतीलाल वोरा, दिग्विजय सिंह, सबके समय से चला आ रहा है। ये बताइए, क्योंकि वो अपने दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, एक गुजरात मॉडल चल ही रहा है, आप छत्तीसगढ़ मॉडल बोलते हैं, अब ये छत्तीसगढ़ मॉडल है क्या? देखिए, जो गुजरात का मॉडल मैंने देखा 9-10 सालों में, उसमें ये हुआ है कि लोग जो उसकी स्थिति थी उसमें, उसकी स्थिति और कमजोर होती गई, कुछ लोग हैं वो बड़े मजबूत होते गए। और गुजरात मॉडल ये है कि आम जनता के जेब से पैसा निकाल के कुछ चंद लोगों के जेब में डाल दिया जाए, ये गुजरात मॉडल। छत्तीसगढ़ मॉडल ये है कि छत्तीसगढ़ के खजाने के पैसा है वो छत्तीसगढ़ के लोगों का है, और इसलिए खजाने के पैसा किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को, महिलाओं को, वंचित वर्ग के लोगों को हम दे रहे हैं। तो यहाँ आम जनता है वो मजबूत हुआ है। उसका उदाहरण मैं दूंगा कि पूरे देश में कोरोना काल में मंदी का असर था, आप खुद अनुभव करें, मीडिया हाउस से जुड़े हुए हैं, मीडिया हाउस की हालत ख़राब थी, बहुत सारी छटनी भी किए, बहुत सारे लोगों की सैलरी में कटौती की गई, सांसदों के सैलरी में कटौती की, एमपी लेड में कटौती बंद कर दिया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में ना हम छत्तीसगढ़ विधायकों की सैलरी कम किए, न कर्मचारियों की सैलरी कम किए, बल्कि उस समय ज़रूरतमंद लोग हमारे किसान हैं उसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पहला किस्त 1500 करोड़ किसानों के खाते में डाला, और उस समय मनरेगा शुरू किया, बहुत लोग हाई कोर्ट पहुंचे भाई इसको रुकना चाहिए मनरेगा में, और 26 लाख लोगों को मनरेगा के माध्यम से गरीब लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया। तीसरी बात मैं और बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ वनाच्छादित है और लघु वनोपज खरीदी का समय वही रहता है, मार्च अप्रैल में आप देखेंगे तेंदुपत्ता संग्रहण करते हैं, इमली का है, महुआ का, आम का भी सीजन रहता है, तो इसको संग्रहण करते हैं। उस समय लॉकडाउन में कोई खरीदी नहीं हो रही थी, सरकार ने उसका समर्थन मूल्य बढ़ा के खरीदी किया, मतलब हर वर्ग के लोगों के जेब में पैसा पहुंचाने का काम किया। एक तरफ लोग डरे हुए थे, समय हुए थे, तो सबकी चिंता ये थी कि हमारा परिवार कैसे चलेगा, और उस समय छत्तीसगढ़ सरकार ने
तीन महीने का राशन एक साथ पहुंचाने का सबसे पहला निर्णय हमारा है, छत्तीसगढ़ का राशन भी पहुंचाया और लोगों की जेब में पैसा भी पहुंचाया, तो आर्थिक रूप से कम से कम निश्चिंत रहे छत्तीसगढ़ के लोग, ये काम हमने किया। तो हम मान लें कि छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है वो हिट है, क्योंकि आपके देखरेख में हिमाचल प्रदेश के चुनाव भी हाल ही में कांग्रेस जीती है। लेकिन जो 2500 रुपए आपने युवाओं को जो बेरोजगार भत्ता शुरू किया है, आप समझते हैं कि गेम चेंजर साबित होगा वो आगे आने वाले चुनाव? नहीं, देखिए मैं जब ये बेरोजगारी भत्ता बांटा उस समय भी मेरा बयान पढ़ लीजिएगा, मैं बेरोजगारी भत्ता देके खुश नहीं हूं, मैंने ये कहा। मुझे खुशी तब होगी जब उस व्यक्ति उस नौजवान के हाथ में रोजगार होगा, उसके हाथ में रोजगार होना चाहिए। और उसके लिए मतलब केवल बेरोजगारी भत्ता दे दिए और हमारे दायित्व खत्म हो गया ऐसा नहीं है, उसके बाद उसे ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू होता है। और वो और उसके साथ साथ अभी मैं गया था कोंडागांव जिला, वहाँ 550 बच्चों को रोजगार का सर्टिफिकेट दिया। इधर बेरोजगारी भत्ता भी दे रहे हैं, इधर ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, उसको रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। सर, शराबबंदी को लेकर ये शिद्दत सरकार की? बिल्कुल सही बात है, शराब क्या नशाबंदी होना चाहिए। तो इस सपने को कब पूरा करेंगे, तो आपके एजेंडे में भी था? बहुत सही बात है, 2 साल तो मेरे कोरोना में बीत गए। इस बीच में मैंने वही सोचा, देखा कोरोना काल एक ऐसा काल था जिसमें पूरे देश में लॉकडाउन था, लॉकडाउन होने के बावजूद भी शराब पहुंचती रही। हमारे यहाँ फैक्ट्री बंद है तो आपके दिल्ली के बगल में हरियाणा, वहां से गाड़ी आई यहाँ पकड़ी गई, धार मध्य प्रदेश मतलब गुजरात के किनारे में है, धार के फैक्ट्री से शराब यहाँ पकड़ी गई। और उसके बाद सैनिटाइजर पी के लोग, कुछ लोग मर गए इसी राजधानी, हमारे राजधानी में कुछ लोग हैं जो होम्योपैथिक जो सिरप है उसको पी के कुछ लोगों की जान चली गई। तो ये तो लैंडलॉक स्टेट है, 7 राज्यों से घिरा हुआ है, तो ऐसे में यदि बंद करेंगे तो हाल गुजरात जैसे या बिहार जैसे जिसमें दर्जनों लोगों को मौतें हो रही है और एक बार नहीं कई कई बार हो रही है, तो भाई मैं ऐसी कोई योजना नहीं लागू करूंगा जिससे लोगों की जान जाए, चाहे वो लॉकडाउन की बात हो चाहे नोटबंदी की बात हो। आपने देखा कितने लोगों की जाने गई, कितने लोगों का रोजगार गया, तो मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। जरूर मैं कह रहा हूं कि हमने घोषणा पत्र में डाला है और हम अभी भी उस वादे से अडिग हैं, लेकिन ये सामाजिक बुराई है और समाज के अभियान चला के इसको दूर करने का काम होना चाहिए। जब तक कि इसमें समाज में जागरूकता हम नहीं ला पाएंगे तब तक के मतलब मैं मुझे क्या है, मैं अभी बोलूंगा दुकानें बंद तो कल शटर बंद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जहरीली शराब पी के मरेंगे फिर उसका क्या होगा? लेकिन कोई रोड मैप तो तैयार हुआ होगा सरकार के तरफ? सोच रहे हैं, उसका अध्ययन भी कर रहे हैं और लगातार उसे सोच भी रहे हैं कि कैसे होगा, क्योंकि यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है, तो समाधान की दिशा में लगातार कोई अच्छा आइडिया आप भी बता दीजिए, तो वो आइडिया मिले तो मैं लोगों को बात बताऊं कि ये अच्छी आइडिया। मैं न्यूज 18 के कार्यक्रम में गया था और मेरी छोटी बहन बैठी हुई थी, उन्होंने बढ़िया आइडिया मुझे दिया, तो ऐसा दीजिए तो मैं निश्चित रूप से उसे लोगों से बताऊंगा और कहूंगा कि इसको लागू करें।